साहूकार के कर्ज कब लौटाएगा बे? ऐसा पेट भुगता है क्या? अपने में भी देखी इतनी बड़ी रकम। ए बसंता, जाके अपनी गुरु से बात कर। अपनी बीवी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे ना मर दो तुम, ना मर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म, तुम्हें शर्म। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर देती है कि हमें ना तो कोई रास्ता दिखाई देता है और ना ही मंजिल। ऐसे वक्त पर कभी कभी इंसान बहुत ही खतरनाक उपाय सोच सकता है, अपनी जान तक देने की सोच सकता है, पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम चुनौतियां हैं और चुनौतियों का जवाब कभी मौत नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं श्रेयस त्रिपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी आज की कहानी महाराष्ट्र के गणपुर गांव में कुदरत के कहर और फसल की बर्बादी के बीच पिसते हुए ऐसे ही एक किसान परिवार की है। पर क्या यह परिवार बदनसीबी का शिकार था या फिर किसी की साजिश का? जानने के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र की ये संवेदनशील घटना। बेघर में पसीना बह रहा है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है सब करके। अब तू इस खेत पे कभी भी फसल नहीं उगा पाएगा। ए, हाँ चल इधर आ, इधर आ। साहूकार के कर्ज कब लौटाएगा बे? पैसा पेड़ पे उगता है क्या? सपने में भी देखी इतनी बड़ी रकम। सदाशिव के पैसे खाएगा? दे देंगे भाई पैसे, हम कौन सा गांव छोड़ के भाग रहे। अरे रुहाब तो देखो, जेब में नहीं चार आना और बनता है डेढ़ साना है। देखो गलत बात मत कर, हमसे जवान लड़ाता है तो देखो इसकी। रुको रुको रुको, क्यों मार रहे हो? रुको रुको, मत मारो, मत मारो। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ऐसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? वैसे लेते वक्त बहुत अच्छे लगे थे और जब देने की बारी आई तो नौटंकी, पूछो सारे से। ए, कानून मैं भी जानती हूँ, जब लियो ये पैसे कोई समय में नहीं देता तो उसकी सजा कानून देगी, ना कि पैसे देने वाला। मैं कोर्ट तक जाऊंगी और साहूकार सदाशिव की दादागिरी सबके सामने लेकर आऊंगी, समझा? ए मैडम, हमारे काम में टांग अड़ा के अच्छा नहीं कर रही हो तुम। ओए धमकी दे रहा है, रुक अभी पुलिस को फोन करती हूँ, रुक। तेरे को तो बाद में देखेंगे। अरे भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे, इनकी क्या औकात है? अरे सेठ ने मना किया समझा करना, इलेक्शन का माहौल है, चल निकल यहाँ से। चल चल यार। आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी पे अन्याय नहीं होने दूंगी, हम सब आपके साथ हैं। अरे ठीक से दबाना, हाँ क्या लड़के वैसे दबाता है पैर। ओ बसंत बहार, इधर आओ। ऐसे औरत की तरह क्या शर्माते हो, आ जाओ यहाँ पे। मैं तुझे कुछ पूछा था, कुछ सोचा उसके बारे में? ए, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये ना समझ के रखता है क्या? तमाशा चल रहा है यहाँ पे, टाइम पास कर रहा हूँ मैं, तू मुझे जल्दी से जल्दी जवाब दे। तो मैं तुझे अभी। अरे आप क्यों बेचारे पे भड़क रहे हैं, उसे थोड़ा टाइम दीजिए ना, आप भी ना। ये भाई को ये ढोस दे रही है, मुझे ढोस दे रहे तू। जलंधर लिख के दू रात मत। अरे बसंत बहार, तूने तेरी बहार से मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं पूछा, बोल ना। सेठ पिछले साल सूखा गिरा था, इस साल बहुत बारिश हो गई, सब फसल बर्बाद हो गई, मैं अगले साल आपका कर्जा उतार दूंगा। बसंता आजा, आजा बैठ, बैठ बैठ बैठ, यहाँ बैठ बैठ आराम।
मैं तुझे क्या पूछ रहा हूँ? तुम क्या बता रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी चोरू के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मुझे मेरे कर्जे के बारे में बता रहे हो। तुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए? तो जा, जाके अपनी चोरू से बात कर, समझा उसे। हा? देख, बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए ये ऐसा करते हैं। हाँ, और इसमें इज्जत के लिए क्या बात होती है? क्या होती है इज्जत? हाँ, क्या होती है इज्जत? दिखती है, खा सकते हो, पी सकते हो। नहीं, जाके अपनी चोरू से मेरे बारे में बात कर, उसे तैयार कर। हाँ, उसके बाद देख, तेरी सभी मुश्किलें कितनी आसान हो जाएंगी। चल, मेरे को शाम तक बताना। हाँ, राम राम सेठ। ले आए पैसे? शाबाश। जब तक है माँ, मेरे को पैसे के दर्शन नहीं होते, मेरा खाना हजम ही नहीं होता है। दे तो, दे तो, पैसे दो। पैसा नहीं मिला सेठ। पैसा नहीं मिला? बाबा, पानी। खाना खाया? सुमन, हाय। सुमन, तेरे बाबा ने खाना खाया? हाय, बाबा घर से रोटी खा के निकले थे। चल बरा साला, मैं तो गांव गुंडों के चक्कर से परेशान हो गई हूँ। रोज किसी नए किसान को धमकाते रहते, कभी किसी की बकरी चुरा ली, कभी किसी की भैंस। इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं बची है। साहूकार सदाशिव के गुंडे हर जगह घूमते रहते, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। किसानों का तो जीना हराम हो गया है। देख सुमन, मैं तेरे को बोलती हूँ, जो भी किसान को रुलाएगा ना, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। किसान बेचारा कितनी मेहनत करता है, अनाज और सब्जी निकालता है। कभी किसी फैक्ट्री में देखा है अनाज और सब्जी निकालते हुए? और वही किसान बेचारा भूखा कैसे रह जाता है? मैं कम से कम इस गांव के किसान को तो रोने मरने से जरूर बचाऊंगी, और उसके लिए मुझे चप्पल भी उठानी पड़े ना, तो मैं चप्पल भी उठा लूंगी। सुलभा, इस लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, और तुम अकेली नहीं हो इस गाँव की वाली। अरे माए बाप सरकार है ना, वो अपना काम करेगी। मैं इस गांव की बहू भी हूँ और बेटी भी। सारे किसान मेरे बंधु भाई हैं, और गांव में गिला अकाल पड़ा है, तो मैं इस वक्त में सबके साथ हूँ। कल ही मैं बीडीओ साहब से मिलने वाली हूँ। वो वहाँ दफ्तर में बैठ के ठंडी हवा खा रहा है, और यहाँ किसान तड़प तड़प के मर रहा है। ये भी तो उनकी प्रजा है, उन्हें भी तो पता चले कि उनके राज में गरीबी, भूख और गिले अकाल का कितना आतंक मचा हुआ है। सुलभा, वो साहूकार मिले थे अपने सदाशिव सेठ। हाँ, अपने? वो अपने कब से हो गए? तुम मतलब? हाँ, तुम्हें ही पूछ रहे थे, कुछ सोचा तुमने? देखो सुलभा, हम पर 80,000 रुपए का कर्जा है। 40,000 माफ कर देते, ऐसा बोले वो, अगर तुम मान जाओ तो। तुम अपनी बीवी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे ना मर दो, तुम ना मर, तुम्हें तो एक टुक में मना कर देना चाहिए, और तुम उसका प्रस्ताव लेके मेरे पास आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। ये इधर लगा अंकल। मालक, मैं क्या म्हणतो, ठीक से गिना था ना पैसा? काय रे, हां जास्त डोका चाललाय का तुझा? हां नाही, क्या गिनती में थोड़ा पैसा कम लग रहा है इसलिए। अरे ब्याज काट के दिया है कर्जे का रकम में से। ब्याज? हां ब्याज तो रकम इस्तेमाल करने के बाद लगता है ना। अरे बाद में ब्याज नहीं दिया तर? ए चश्मा, तू इसके मुंह जरा। हां ए पैसा जमा वापस। हां हाथ में मिलाने की दो का दबा दम भी हो गई इनकी। मैं तो
ऐसे ही पूछ रहा था, गलती हो गया साहूकार मेरे से। गलती हो गई ना गलती, अब सजा भी मिलेगी। चल भाग यहाँ से, भाग। वो साहूकार, ऐसा मत करो साहूकार, साहूकार माफी दे साहूकार, गलती जाली, मेरी तोबा मेरे बाप की तोबा, आइंदा से ऐसा बात नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, ले ले पैसा, अब निकल यहाँ से। आ जाते सवेरे सवेरे दिमाग खराब करने के लिए। वीडियो सब आए, पंचायती इलेक्शन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, दिन भी फाइनल हो चुका है, आपका उम्मीदवार तो तैयार है ना? नमस्ते साहब। बस घोड़ी चढ़ने की देर है, बाकी तैयारी तो हो चुकी है, जीत भी जाएगी। क्यों होम मिनिस्टर, सरपंच बनोगी? वीडियो साहब, हमारे गांव में एक बिन नकेल घोड़ी रहती है, बहुत खुर्राती है, क्या नाम है उसका? सुलभा, सुलभा नाम है। है तो किसान लेकिन भाषण देती है नेता के जैसे, आपका नाम लेके लोगों को धमका दिए, अब आपके नाम का गलत इस्तेमाल? ना ना ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता, ठीक नहीं है ना ये। से सुना है कि इस गांव के कुछ कर्जदारों को लेके आपके दफ्तर में कर्जा माफी की गुहार लेके आने वाली है, इसमें कुछ कर्जदार मेरे भी है। अब आपने समझो कर्जा माफी दे भी दी, दे भी दी आपने माफी, तो भी इसका पूरा क्रेडिट वो लेके जाएगी और ऊपर से लोगों को बताएगी कि देखो मैंने वीडियो का कान मरोड़ के कैसे काम करवाया। ऐसे चवन्नी छाप नेताओं से मैं नहीं मिलता। तभी तो आपकी इज्जत करते हैं सरकार। आप है ना, बस उस औरत को सरकारी महकमे से दूर रखिए, उसके बाद उस घोड़ी को नकेल कसने का इंतजाम मैं करता हूं। हेलो, राम राम सेठ। राम राम ही करते रहे तू, खुशखबरी कब देगा? मना कर दिया उसने। मना कर दिया उसने। अब तू मेरा कर्जा 2 दिन में लौटाएगा, 2 दिन में, वरना कानून अपना काम करेगा। हाँ बाबा। बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो। नहीं बाबा, कोई तो बात है। और ये देखो इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे काम कर रहा था ना, तो आ गया होगा। तू जा अपना काम कर, कर अपना काम। भी कैसे सकते हो? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, पर आप तो बात को थाम के बैठे हो। आपको बुरा नहीं लगता? गुस्सा नहीं आता? अरे कैसे पति हो तुम? छी! मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरा ही पति इतनी सी बात है। हाय देवा, एक कैसा नौरा मिला है मेरे को। अब एक बात गांठ बांध दो, मैं वो सब कभी नहीं करूंगी। बाबा खाना खा लो। बाबा आप मुझे बताते क्यों नहीं
क्या बात है, मैंने आपको इतना उदास और घबराए कभी नहीं देखा। कोई तो बड़ी बात है जो आपको खाए जा रही है। मैं डरपोक नहीं हूँ, कुछ अपने दिन ही खराब चल रहे, बाकी कुछ नहीं। ताई, इस पे दस्तखत और अंगूठे के निशान ले लिए। दादा दादा, बीडीओ साहब से मिलना है। साहब बहुत बिजी है, साहब के पास में टाइम नहीं है। आप ऐसा करो, कल परसों आओ, कुछ कुछ करते हैं। पर दादा, सभी लोग तो जा रहे हैं, हमको भी जाने दो ना, थोड़ा सा ही काम है। हमको माफ कर दो ताई, तुमको अंदर छोड़ेगा तो हमको नौकरी से बाहर छोड़ देगा। साहब, अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, सिर्फ 2 मिनट। साहब, मैं गनपुर गांव से आई हूँ। आप तो जानते ना साहब, गांव में जानलेवा बाढ़ आई, खड़ी फसल पे ओले गिरे, लोग पैर घिसकर मर रहे, और ऊपर से साहूकार का धंधा। किसान कर्जे में डूबा हुआ है, दांत पे मारने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में साहूकार की जेब में कर्जा कहाँ से डालेगा? देखिए साहब, मैं सारे किसान की तरफ से ये अर्जियां और दस्तखत लेकर आई हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि किसान को कर्जा चुकाने के लिए अगले साल की फसल तक की मोहलत दी जाए, जैसे दूसरा जिले में हो रहा है। अगर वैसा हो गया ना साहब, तो किसान कम से कम जिंदा तो रह पाएगा। मेरे जिले में क्या हो रहा है मैं जानता हूँ, सरकार अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रही है। बाकी रही साहूकार की बात, तो लोगों ने उससे कर्जा लिया हुआ है, साहूकार को अपना पैसा वापस मांगने का हक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखो सुनो, साहूकार की बात मानना सभी के लिए अच्छा होता है, वो तुमसे भी कुछ मांग रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरी मानो तो साहूकार की मांग पूरी करो, उसे खुश करो। वो कब से आपके पति से कह रहा है का सपना पूरा करो, बाकी मैं साहूकार से खुद कह के खर्चे का कुछ कर दूंगा। देवा रे देवा, आपको सब कुछ मालूम है साहब, आपको भगवान का डर नहीं है? तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, बात मान लो साहूकार की। अरे ये टूट चुकी थी ना, उसे बस जोड़ रहा हूँ, तुझे क्या लगा? बाबा, आप जानते हो ना चारों तरफ कैसा माहौल है, और आपको हर बात दिल पे लेने की आदत भी है, मुझे बहुत डर लगा रहता है। एक बात बताऊँ, एक गम्मत है, देखना चाहोगी? हाँ सच्ची? हाँ। बहुत खुश होगी, चल चल चल। मना गया, तेरे आई ने और मैंने तेरे शादी के लिए कुछ तजवीज करके रखी, देखोगी? अस्त तक ये क्या है बाबा? यही तो मजा है। अच्छा है? हाँ बाबा। ये जो है ना, जब तू पैदा हो गई थी ना, तब से हमने पाई पाई जोड़कर तेरे सौभाग्य के लेने के लिए हमने बनाए रखे। बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने इसे तुड़वाया नहीं। खूब सुंदर है बाबा। अच्छा है। अरे आई तुम ठीक है ना? लेकिन तू हर दिन उठती है और लश्कर की वो रोटियां सेकने जाती है, मैंने साथ दूंगा उसमें। अरे
पर वो भी तो हमारे भाई बंधु है ना। आज उसका घर चल रहा है, कल हमारा घर चलेगा, सब मिलजुल के काम करेंगे तो सबका बेड़ा पार होगा। वाह रे वाह, समाज सेवा, क्या समाज सेवा है तुम्हारी। हे देवा, ये जो साहूकार सदाशिव ने मेरे बारे में पूछा था वो क्या आपने पूरे गांव में बता दिया? अगर नौराय ने तुझा तेरी इज्जत खराब तो मेरी भी इज्जत खराब। पर मैं इतना एड़ा नहीं हूं कि अपने पैरों पर घुंडा मार के लूं। भरोसा रख। सुलभा ने धमकी दिया है कि वो कलेक्टर साहब के पास जाएगी शिकायत लेकर। सुलभा एक दुखती नर्स बन चुकी है, अब तो इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अब काम करने का टाइम शुरू। नमस्ते साहिब। नमस्ते नमस्ते। अब पर्चा दाखिल करने का दिन दूर नहीं है, कुछ भाषण वासन की तैयारी की या नहीं आपने? हमारी बात कहने का हक हम सभी को है, और हमारे हक के लिए संघर्ष करना ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने से कमजोर का, गरीबों का शोषण कर अपने व्यक्तिगत मंसूबों को पूरा करते हैं। साहूकार सदाशिव भी किसान बसंत और उसके परिवार की माली हालत का नाजायज फायदा उठाने के फिराक में है। किसान बसंत और उसका परिवार इस वक्त बहुत ही कठिन और तनावपूर्ण वक्त से गुजर रहा है। क्या ये परिवार अपने आप को इस साहूकार के शिकंजे से बचा पाएगा? आइए देखते हैं। हे ईश्वर, हम गरीब किसानों पर दया करना, हमें इन मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता बताना। बाबा, बाबा, डाकिया आपके लिए लेकर आए। अरे, ये तो कोई कानूनी कागज लगता है। अरे, ये तो कोर्ट का नोटिस है जो हमें सदाशिव सेठ ने भेजा है। 2 दिन में उसके पैसे नहीं देंगे ना तो जब्ती आ जाएगी। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सदाशिव सेठ के पास जाता हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तू यहीं पर रुक, मैं आता हूँ। बाबा, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मालिक, मालिक, ये क्या जुल्म कर रहे हो आप? अब तो माल का चाट मालिक है रे। हाँ, देखो मैं कब से समझा रहा था, अपना घर अपनी जमीन बचाने के लिए मौका दे रहा था, उस वक्त तो तेरे मैं सुनी नहीं। मालिक, हमारी जमीन जब्त हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? चल, एक मौका मैं तुझे और देता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। जाके अपने जोरू को समझा। तुझे तो पता है मुझे क्या चाहिए है? अगर इस बार वो नहीं मानी तो वैसे भी घर और जमीन जब्त होने के बाद उसे मेरी क्या, पूरे गांव की बात माननी पड़ेगी। अरे तिमाजी, बाइक मार रे, बाइक मार रे, बाइक मार रे, तिमाजी, अरे संत कुड़ी उसके, अरे रामे, अरे रामे, चाहिए ना ला, रुको, 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 ओ साहब बघा ना, किती मारलं माझ्या नवराला, ऐसे कोई मारता है? कानून का राज है यार गांव गुंडों का, आप हमारी दरखास्त दर्ज करवा लो ना। साहूकार से कोई कर्जा वर्जा तो नहीं लिया था? हाँ साहब, कर्जा तो लिया था, पर ऐसे कोई मारता है? कहीं इनके हाथ पैर टूट जाता तो? टूट जाता तो बड़ा केस बनता, अब इस मारपीट का क्या करें? ये साहूकार और किसानों के बीच का तमाशा तो रोज का ही है, कैसे पता चले कि कौन सही है कौन गलत।
एक ही गांव के लोग हो, समझ बूझ के प्यार मोहब्बत से साथ में रहने का ना। अब हर बात पे पुलिस की घंटी बजा दोगे तो पुलिस बाकी केस की तहकीकात कब करेगी? मारपीट के अलावा कोई गंभीर समस्या है तो बताओ। वो चाहता था कि सुलभा क्या 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 चाहता था वो क्या? अरे सुमन, तेरी आई कहाँ गई? बाबा वो आई नारायणी घर के लिए, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। बाबा सदाशिव साहूकार ने ऐसा क्या मांगा था जो आपको इतना गुस्सा आया? और आई पुलिस वाले को क्या बताने वाली थी जो आपने उसे रोका? मैं तुम्हें तुम्हारी गुरु के बारे में पूछ रहा हूँ, समझा उसे? बताओ ना बाबा। सुमन आओ इधर बैठो। तुम तो जानती हो कि हमने सदाशिव से कई बार अलग अलग कारणों के लिए कर्जा लिया है, कभी बीज के लिए, कभी खाद के लिए, कभी दवा पानी के लिए, तो कभी त्योहारों के। अब उसके 80,000 बन चुके हैं ब्याज से, और इस फसल पर मैं वो लौटाने वाला था, लेकिन तुम्हें पता है कभी गीला अकाल तो कभी सूखा अकाल, इस बार भी फसल बर्बाद और सारे किसानों का सत्यानाश। लेकिन बेटा साहूकार इस बार भी हमें मोहलत देने के लिए तैयार था। हमारे ऊपर जो सारा कर्जा है ना, तो उसमें से आधा माफ करने की उसने लालच भी दी हम, और बाकी जो कर्जा है तो उसे लौटाने के लिए 2 साल का मोहलत दे दिया। लेकिन बदले में उसने कुछ मांगे रखी थी। इसीलिए मुझे सुलभा की चिंता सताती, और इसीलिए मैंने उसे कहा था कि वो सरपंच और वो इलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो मानती ही नहीं। अरे बसंता, अरे क्या चल? अरे सुलभा तेरे को उठा कर ले गया क्या? आई चला साहब, आई का ना साहब, कोई तो भी मेरे बीवी को उठा के लेके गया साहब। अरे देख भाऊ, अभी बाजू के गांव में एक किसान ने अपने आप को पेड़ से लटका लिया है, अभी उसे उतारने जाना है, उतार के पोस्टमार्टम तहकीकात, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। अब उसको छोड़ के तेरी बीवी को ढूंढो है, चल ले। आइए वाणी साहब, आइए, अभिनंदन अभिनंदन। वीडियो साहब, पहले इलेक्शन जीतने तो दीजिए। ये सब जगह बातें हो रही हैं कि वाणी साहब ही जीतेंगी। अब आपने जमघट इतना लगा दिया है तो चर्चाएं तो होंगी ही। अरे सुमन, सुलभा कुछ पता चला क्या? काका, ये कछली घर पर आए। अरे ग्राम पंचायत तो चुनाव हुआ ना, और सरपंच भी आज ही चुना जाएगा। आज गौनपुर गांव में ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हुआ, उसमें नव नगरी विकास परिषद के सभी उम्मीदवार जीत गए। अब इस गांव में सरपंच का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया है। जीते हुए ग्राम पंचायत सदस्यों की नेता अब सुहासिनी देवी होगी।
अरे खोल बसंता। अरे कौन है? अरे खोल ला। सुमन रुक, मैं देखता हूँ। ताना जी, क्या बात? निश्वा? हाँ, अरे सुलभा ताई मिल गई। क्या? आई मिल गई? आई कहाँ है बताओ ना। अरे ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। हाँ। पर सब कह रहे कि पड़ोस के गांव में। हाँ, चलो। अरे चलो भाई। आई बाबा, बाबा बाबा कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो बाबा। बाबा आई को ऐसे किसने किया? बोलो ना बाबा, बाबा बोलो ना बाबा। हम पुलिस के पास भी जाएंगे, हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। बाबा बोलो ना कुछ। बाबा सारे किसान मेरे बंधु भाई, और गांव में गिला अकल पड़ा है, तो मैं इस वक्त मैं सबके साथ हूँ। कल ही मैं बीडीओ साहब से मिलने वाली हूँ। वो वहाँ दफ्तर में बैठ के ठंडी हवा खा रहा है और यहाँ किसान तड़प तड़प से मर रहा है। तेरी बाहर से मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं पूछा। सब मिलजुल के काम करेंगे तो सबका बेड़ा पार होगा। वाह रे वाह, समाज सेवा। सभी के लिए अच्छा होता है। वो तुमसे भी कुछ मांग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ। पर मेरी मानो तो साहूकार की मांग पूरी करो, उसे खुश करो। वो कब से आपके पति से कह रहा है साहूकार का सपना पूरा करो। मेरे पास अब ये सबूत है, तुम और वो वीडियो साहब मिलकर हम लोगों को परेशान कर रहे थे ना। ए बसंतिया, अपनी औकात में रह, शेर के मुंह में हाथ मत डाल, पूरा का पूरा निगल जाऊंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैंने मेरी पत्नी खोई है, मैं ये सबूत कलेक्टर ऑफिस लेकर जाऊंगा। यहाँ कानून का राज चलता है, तुम्हारे जैसे साहूकारों का नहीं। चुप! आज तक इस गांव में से किसी ने मुझसे इस आवाज में बात नहीं की। इस गांव का हर किसान मेरे कर्जे तले डूबा हुआ है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुझे देख लूंगा। महाराष्ट्र में एक और मौत, तूफानी बारिश की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई।
और कर्ज की मार से किसान बंधा ले। ऐसे में आज एक किसान ने खुद को मौत की भेंट चढ़ा दिया। उसने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। आइए बात करते हैं यहाँ की महिला सरपंच से। आपको क्या लगता है? बसंत एक अच्छा इंसान था, अच्छा किसान भी था, मेरा बहुत करीबी था। हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। अब कैसा है कि मौसम की मार ने बेचारे को खेती में भारी नुकसान झेलना पड़ा। मैंने उसको मदद भी की थी घर चलाने के लिए, ताकि छाछ ब्याज के लिए उसको पैसे भी दिए थे मैंने। अब इसको आप कर्जा समझ सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो मेरी तरफ से मेरे गरीब किसान भाई को वो मदद थी। देखिए, आत्महत्या करने वाले किसान की पत्नी कुछ समय पहले भागी थी, बाद में उसका लाश मिला। देखिए, इंक्वायरी चालू है। और एक थ्योरी ये भी है कि पति पत्नी में झगड़ा था और अपने पत्नी को मार के अपनी गुनाह छुपाने के लिए अपने आप को आत्महत्या कर लिया। मेरे पापा आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या की गई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। पहले माँ की हत्या और फिर पिता की मौत, सोचिए क्या गुजरी होगी सुमन के मन। घटनाओं का यह सिलसिला गरीब किसानों की हालातों को और उन पर शोषण करने वालों के खिलाफ मुकाबले की उनकी ताकत को बयां करता है। बसंत ने यह कसम खाई थी कि वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी क्या बात हो गई कि वो ये भूल गया कि ऐसा करने से वो अपनी बेटी को अनाथ छोड़ जाएगा? सुमन तो आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि ये एक आत्महत्या है। क्या सुमन का ये शक सही है? आइए देखते हैं। सेठ, सगड़ा घर उल्टा पलटा खेला पर मोबाइल नहीं मिला। नमस्कार सर, उस मोबाइल का कुछ पता चला? नहीं नहीं सर, कोशिश जारी है ना, पता चल जाएगा साहब, पक्का मिलेगा। ढूंढो उसे, अगर वो मोबाइल किसी सीनियर ऑफिसर के हाथ में लग गया तो हम दोनों का खेल खत्म। ढूंढो उसे। आहू, तुम्हें ये ठीक नहीं कर रहा था। सरपंच बनने के लिए कानून तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना, और ऊपर से एक गरीब किसान का घर तबाह करके आपको क्या मिलेगा? ए भाई को, होम मिनिस्टर बोला ना होम मिनिस्टर तेरे को, तो अब क्या मेरे को सिखाएगी? हाँ, मेरे को सिखाएगी तू? जाना बाबा, जाना अंदर। ए जाना बाबा, आत्मा दे आज तो कैची। मोबाइल, शायद शायद वो लोग मोबाइल के लिए घर में घुसे होंगे। मोबाइल का जिले में क्या हो रहा है मैं जानता हूँ। सरकार अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकती है कर रही है, बाकी रही साहूकार की बात। तो लोगों ने उससे कर्जा ले रखा है, साहूकार को अपना पैसा वापस मांगने का हक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साहूकार की बात मानना सभी के लिए अच्छा होता है। तुमसे भी कुछ मांग रहा है, पर मेरी मानो तो साहूकार की मांग पूरी करो, ये खुश करो। वो कब से आपके पति से कह रहा है? साहूकार से मैं खुद कह के तुम्हारे कर्जे का कुछ कर दूंगा। शर्म नहीं है? मानो साहू।
एक सरकारी ऑफिसर होके मनी लॉन्डर से मिले, गरीब गरीब किसानों को टॉर्चर करते हो। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। नहीं सर, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। और इस बार क्यों किया? साहूकार सदा सिर्फ चाहता था कि इस बार गांव की सरपंच उसकी पत्नी बने, प्राइवेट साहूकारों के खिलाफ बने, सख्त कानून से बच के गांव में साहूकारी कर सके। गांव में साहूकारी करने के लिए सरपंच खुद या पत्नी का होना जरूरी था। बसंत की पत्नी गांव वालों के लिए बहुत काम करती थी सर, गांव वाले उसे इज्जत भी बहुत देते थे सर। गांव वाले चाहते थे कि इस बार गांव की सरपंच सुलभा बने। सदाशिव ने उसे रास्ते से हटाने के लिए बसंत को कई बार ऑफर दी सर, मगर वो नहीं मानी, तो सदाशिव ने सुलभा को किडनैप कर मार डाला सर। ए बोलसाल, सुलभा के मरने के बाद हमें गांव में कोई विरोधी था ही नहीं, फिर मेरी पत्नी सरपंच बन गई और एक दिन अचानक बसंत सुलभा का मोबाइल लेके मेरे घर आए। उसमें पीडीओ साहब ने मेरी बात मानने के लिए सुलभा पे जो दबाव डाला था, सारी बातें सुलभा ने उसके मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखी थी। हम लोग तो बुरे फंस गए थे साहब, इसीलिए बसंत को मरना जरूरी था। फिर मैंने मेरे लोगों के साथ मिलके फिर पेड़ से लटका के गांव वालों के सामने साबित कर दिया कि उसने आत्महत्या की। गांव गणपुर के किसान बसंत राव और उसकी पत्नी सुलभा की हत्या की साजिश में शामिल सदाशिव कुंटे और उसके साथियों को आईपीसी के सेक्शन 302, 193, 120B, 364, 503 और 506 के तहत सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीडीओ को अपने सरकारी काम में अनैतिक तौर तरीके अपनाने के लिए भ्रष्टाचार अधिनियम कानून सेक्शन 7 और 13 और आईपीसी के सेक्शन 409 के तहत सरकारी सेवा से निलंबित कर दिया गया और आपराधिक नियमों के तहत उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए या आदेश पुलिस को दे दिए गए। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बसंत और उसके परिवार की कमजोर परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। बसंत ने संघर्ष किया और उसके बाद उसकी बेटी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपराधियों को सजा दिलवाई। हम बसंत और उसके बेटी की इस हौसले और साहस की साथ देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य पिछले 2 दशकों से किसान आत्महत्या के मामले में बाकी सभी राज्यों के मुकाबले सबसे आगे। इनफैक्ट साल 2011 में किसान आत्महत्या के 2300 मामले सामने आए, जो कि साल 2010 और साल 2009 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कितने अफसोस की बात है कि दूसरों को जीवन देने वाला खुद मौत को गले लगा रहा है। इस प्रवृत्ति को हमें हर हाल में रोकना होगा। आइए हम सब मिलकर हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाएं, और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आदाब बस। तो सावधान है।